हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम माय चैनल, मैं हेल्प यू एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो नया जो वीडियो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे अगर आपको एक बात बोलेंगे, जो मेरा चैनल पर नया है हम उसको बोलेंगे प्लीज सब्सक्राइब दिस माई चैनल। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, ऑल बैंकिंग सेक्टर, रेलवे रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया का ऑल जॉब का नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नया रिक्रूटमेंट आया है वो रिक्रूटमेंट आपका है, जो नोटिफिकेशन मैं आपको अभी ओपन करूँगा। रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, एनरोल 8 वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा का, एनरोल 8 वैकेंसी है। वो जो इशू जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 25 जून, लास्ट जो डेट है 15 जुलाई। तो वेबसाइट आप देख सकते हो, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे अभी। आज जो वैकेंसी है पोस्ट जूनियर है, हेड बिजनेस फाइनेंस 1 वैकेंसी है, एज मिनिमम है 38, मैक्सिमम है 45। एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपको है ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, MBA, CFA, CMA, बहुत बहुत अच्छा। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 15 साल, वर्क जो एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो पोस्ट है, हेड इंटीरियर कंट्रोल फाइनेंस गवर्नेंस, एज लिमिट सेम है 38, मिनिमम मैक्सिमम 45। उसके बाद है हेड इन्वेस्टर रिलेशन 1 वैकेंसी है, मिनिमम जो आपका एज है 38, मैक्सिमम 45। उसके बाद हेड इन्वेस्टर डे हेड इन्वेस्टर 1 वैकेंसी है। उसके बाद हेड फाइनेंशियल अकाउंट्स एज है 35 to 40। वाइस प्रेसिडेंट स्टील प्लानिंग शीट प्लानिंग, वाइस प्रेसिडेंट बैलेंस शीट प्लानिंग, उसका एज है 32 ईयर्स, मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर्स, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 ईयर्स। तो फुल नोटिफिकेशन आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है 7 वैकेंसी है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट BU, तो इसका एज लिमिट है 32, मैक्सिमम 40। तो आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस टोटल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस है आपको 600 रुपीज़, एप्लीकेशन टैक्स पेमेंट जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए है 100। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे अप्लाई करने पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हम दे देंगे, आप नोटिफिकेशन चेक करके कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कौन सा पोस्ट में जब भी अप्लाई करेंगे, आपका कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका नेम एड्रेस लिंक टोटल जो है टोटल आपको फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं, टोटल आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल्स, टोटल आपको कॉम्प्लीट करने के बाद आपके रिव्यू करना पड़ेगा, चेक करके उसके बाद आपको पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों, मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे और भी अच्छा करने के लिए हिंदी। दोस्तों, जो मेरा चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।